समाज की सुख शांति के लिए कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। सन 1851 में भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और हमारे सुख शांति के लिए हमारा संविधान बनाया। इसको बनाने में कुछ 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। धन्यवाद। मैं संविधान हूँ, मुझे भीमराव अंबेडकर जी ने आप लोगों के सुख शांति के लिए बनाया है, लेकिन हमारे देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मैं पूरी तरह से अपनाया नहीं गया। तो आइए हम सब मिलकर अपने मौलिक अधिकारों को जानें। पिताजी, मुझे एजुकेशनल ट्रिप के लिए आगरा जाना है। क्या तुम्हें आगरा जाना है? स्कूल की तरफ से? कभी नहीं, तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम एक लड़की हो। पापा पापा, मेरे कॉलेज से गोवा ट्रिप जा रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? क्या बात है बेटा, घूमने जाओगे? जाओ बेटा। पापा पैसे नहीं है। ये लो बेटा, घूम कर आओ। ये क्या पिताजी, मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ इतना भेदभाव, क्या मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं? जीने का अधिकार, संविधान ने सभी को जीने का पूरा अधिकार दिया है, यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। देख कर नहीं चल सकते? हाय, चलने तो आता है पर दिखता नहीं। नहीं दिखता तो घर में रहो, बाहर ना निकलो। मैं अंधा हूँ तो क्या हुआ, ईश्वर ने जैसे मुझे बनाया है मैं वैसे ही धरती पर आया हूँ, क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं? हाँ बिल्कुल है, सभी को हर जगह समानता से रहने का अधिकार है, यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पापा पापा, मैं 12th अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, अब मुझे कॉलेज पढ़ना है। क्या करोगी आगे पढ़कर, वैसे भी 1 साल बाद मैं तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ। प्लीज पापा, मुझे पढ़ना है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। कहीं नहीं पढ़ना, चुपचाप अंदर जाके माँ का हाथ बटाओ। क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं? शिक्षा का अधिकार, संविधान ने सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार दिया है, यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। रुक रुक रुक, ना लाइट ना सर पर हेलमेट, कहाँ लाइसेंस दिखा, कहाँ की जल्दी है? जल्दी ने तो लाइटें तोड़ दी। चल लाइसेंस दिखा। तुम्हें पता है हमारे चाचा विधायक हैं। चाहे तू विधायक का बेटा हो या भतीजा, अमीर या गरीब, कानून सबके लिए बराबर है। सही कहा है, कानून सभी के लिए एक बराबर होता है, चाहे वह ऊंचे दर्जे का हो या नीचे का। अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आपको पता नहीं यहाँ पर मंदिर है, यहाँ से उठो। ये क्या कर रहे हैं यहाँ, ये आप यहाँ नहीं कर सकते, ये नमाज पढ़ने की जगह है, आप यहाँ से उठे। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। भाई चाय लाना। चोटू साहब को चाय दे। ओ चोटू, सुनता नहीं, साहब को चाय दे। बार बार खेलना खेलना, फिर पगार काट लूंगा मैं। जी नाम तो पता नहीं, लेकिन सब मुझे छोटू बुलाते हैं। कितने साल के हो? 10 साल का। तुम स्कूल नहीं जाते? जाना तो चाहता हूँ मगर। शोषण अत्याचार बाल मजदूरी के खिलाफ अधिकार है, संविधान ने हमें इसका पूरा अधिकार दिया है। तो आइए हम सब मिलकर अपने मौलिक अधिकारों को दोबारा जानें। आजादी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संविधानिक अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले हमारे लिए वतन है, हमेशा वतन पर नाज करना। और संविधान आत्मा है भारत की, मरते दम तक इसका ख्याल रखना। संविधान हमारा आवाज है, संविधान नई सूर्या का आगाज है। धन्यवाद।